नमस्ते दोस्तों, आज है 12 फरवरी और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। अभ्यास प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान वाहक पोत को तोड़ने पर रोक लगा दी? INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS कलवरी, INS विराट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, INS विराट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से हटाए गए विमान वाहक पोत INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी। INS विराट मूल रूप से सेवा में 1959 में रॉयल ब्रिटिश नेवी ने हम्स हार्मस के रूप में शामिल किया गया था। INS विराट को रॉयल ब्रिटिश नेवी ने 1980 के दशक में भारत को भेज दिया था और 2017 में इसे नौसेना ने सेवा से हटा दिया गया था। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, INS विराट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न एक, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए हर गांव में जल चौपाल की शुरुआत की? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत जल संरक्षण के लिए सभी गांवों में जल चौपाल आयोजित की जाएगी। राज्य के सभी गांवों में हर माह के पहले गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न, प्रश्न दो, मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग देने के मकसद से किसके साथ समझौता किया है? IIM इंदौर, IIT इंदौर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIM इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं IIM इंदौर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत IIM इंदौर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग देगा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IIM इंदौर। अगला प्रश्न, प्रश्न तीन, खबरों में रहे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अर्जुन वास्कले और बुशरा खान का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एथलेटिक्स। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन मध्य प्रदेश को बालक एवं बालिका अंडर 18 के वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक हासिल हुए। बालक वर्ग 18 की श्रेणी में अर्जुन वास्कले एवं बालिका अंडर 18 की वर्ग में श्रेणी में बुशरा खान ने स्वर्ण पदक जीता। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एथलेटिक्स। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, हाल ही में देश के इतिहास में पहली बार किस राज्य के विधानसभा में राज्यपाल ने अपने औपचारिक अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य को पढ़ा? गुजरात, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। हम आपको बता दें कि राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिसर। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिसर ने 15वीं राजस्थान विधानसभा के 6ठे सत्र में अभिभाषण दिया। इस औपचारिक अभिभाषण से पहले उन्होंने संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य को पढ़ा। देश के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा में राज्यपाल ने सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य को पढ़ा। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न पांच, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेल देव की जयंती पर आगामी बसंत पंचमी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव का लेखक कौन है? कनिष्क थरूर, मेघना पंत, सुदीप नगरकर, अमिश त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमिश त्रिपाठी। प्रसिद्ध पुस्तक
लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक अमित त्रिपाठी हैं। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक में महाराजा सुहेलदेव द्वारा महमूद गजनवी की तुर्की सेना को परास्त करने का उल्लेख है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमित त्रिपाठी। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न सात, 40वां INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। 40वें INCA इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इसका आयोजन नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। अगला प्रश्न, प्रश्न आठ, निम्नलिखित में से किनकी पुण्यतिथि को संपर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को संपर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1951 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक चिंतक, पत्रकार, राजनीतिक, लेखक, शिक्षाविद, वक्ता और अर्थशास्त्री थे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न, प्रश्न नौ, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया? एग्रोस्टार, एग्जोन एग्रो, फर्म आरपी, ईआरपी, बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। फिक्की का फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड स्टेट नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया? प्रोफेसर सुधीर के जैन, आनंद शर्मा, आरडी शर्मा, एचसी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर सुधीर के जैन। हाल ही में प्रोफेसर सुधीर के जैन को यूनाइटेड स्टेट नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया। प्रोफेसर सुधीर के जैन इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर सुधीर के जैन। आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु में हीडियोटिस सिथ्री वर्नियसिस नामक प्रजाति के पौधे की खोज की गई, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाएगा? मेडिसन, खाद तेल बनाने में, रसायन, जैव ईंधन में। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।